यस हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दाइव प्लेटफॉर्म स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में जहां हम पैलेडियम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं कल हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन स्टार्ट किया था पैलेडियम केमिस्ट्री का जिसे ट्रोस्ट बोलते हैं आप इसको नेम रिएक्शन कह लीजिए आप इसको uh, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह लीजिए जो कहना है कहिए लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस आपको अगर देखने को मिलेंगे एग्जाम में तो पार्ट सी के अंदर डेफिनेटली सवाल आ सकते थोड़ा नया रिएक्शन भी होता है आपने पहले कभी पेलेडियम केमिस्ट्री पढ़ी भी नहीं होती है इस तरह की और अगर कॉलेज में ठीक से नहीं पढ़ा है तब तो ये आपके लिए बिल्कुल ही नहीं होने वाली है तो कई बार बच्चे इसके अंदर स्ट्रगल भी करते हैं तो हम इसको बहुत ही बेसिक से बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से इसके लेवल को बढ़ाएंगे उम्मीद करते हैं कि आपने इससे पहले के लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं और आप पेलेडियम केमिस्ट्री अब तो लगभग खत्म भी करेंगे हम इस हफ्ते आपको पेलेडियम केमिस्ट्री में खत्म कर दूंगा और आपने इस पूरी सीरीज को बहुत इंजॉय किया होगा गुड इवनिंग आप सभी को गुड इवनिंग सुप्रिया गुड इवनिंग मिहिका गुड इवनिंग अभिषेक रिधि एनालिसिस एंड मेमोरी कॉन्सेप्ट आप सभी का स्वागत है लाइव सेशन के अंदर सर इफ सिस आइसोमर गिव ट्रांस प्रोडक्ट एंड ट्रांस आइसोमर गिव सिस प्रोडक्ट इट विल बी स्टेज स्पेसिफिक रिएक्शन सिस आइसोमर कह रहे हो कि ट्रांस डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन यार ऐसा होगा क्या बोल सकते हैं इसको हम स्टेज स्पेसिफिक प्रेजेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है थीके?

कल वाले लेक्चर में हमने ट्रोस्ट टिसूजी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि रिएक्शन कैसे काम करती है आज हम इनकी रियक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो दिस विल बी पार्ट फॉर ट्रोस्ट और आज के लेक्चर में हमारा कौन सा लेक्चर नंबर होगा तो दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर सेवन फॉर दिस ट्रोस्ट टिसोजी ठीक है जी <coughs> सेशन शेयर जरूर करें ज्यादा लोग होंगे तो मजा भी ज्यादा आता है और अगर आप

ये SN1 में किया करते हैं लेकिन यह कंप्लीटली डिफरेंट पैलेडियम केमिस्ट्री से किया जाता है इसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे अलाइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बार हमें यह बनाना होगा तो इसके साथ भी डील करने आना चाहिए एक्स <coughs> ग्रुप के तौर पे हम देख रहे हैं कि हमें ये चीजें मिल सकती हैं ओ सीओ आर ग्रुप हो सकता है ये सब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास लिविंग ग्रुप्स आपको मिल सकते हैं ये कल हमने साइकिल की बात करी थी आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर एक न्यूक्लियो फाइल भी अवेलेबल होगा क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग को देख के आप समझ ही गए होंगे अब तक तो अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो कि ये क्लेडन का ही क्वेश्चन है जो हम देखने जा रहे हैं ठीक है जी गुड इवनिंग वैदराज गुड इवनिंग प्रगति गुड इवनिंग तान्या देखो अगर यहां पे हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्या अब पूरा साइकिल बनाएंगे नहीं हम पूरी साइकिल को ड्रॉ नहीं करेंगे हम इसके शॉर्टकट तरीके से चलते हैं और सीधा प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं सीधा भी इतना भी सीधा नहीं है उसमें हमें कॉम्प्लेक्स तो बनाना पड़ेगा देखो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखें तो आपके पास एक एल्किन फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है और यहां पड़ोस में एक ग्रुप लगा हुआ है कोई एक्स ग्रुप मान लो जो कि अब ऐसे समझो कि मान लो कि ये जैसे पीस ऑफ पेपर आप देख रहे हैं अब ये फ्लैट एल्कीन यहां लगी हुई है सही है अब मान लो मुझे यहां पे कोई ग्रुप लगाना है ये लगा हुआ है अब अब ग्रुप इस तरीके से अब कोई पैलेडियम अगर आएगा और इस एल्कीन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करना चाहेगा तो उसके पास दो फेस होंगे एक ये टॉप फेस होगा और एक ये बॉटम फेस होगा टॉप फेस पे अगर कोई ग्रुप लगा है तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड फेस के अंदर काउंट होगा और जो बॉटम फेस है जहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा है ये less hindered में में होगा। इस वजह से से आने वाला हमेशा किस से आना चाहिए? एक बार अगर लिखोगे तो मजा बहुत आएगा। बताना जरा। इवनिंग इवनिंग सुप्रिया, हाँ हेलो सुप्रिया, क्या बात है हाँ बताना जरा अगर मेरा पेलेडियम आएगा तो अभी किस प्लेन से प्रेफर करेगा बाइंड करना क्योंकि एक्स एक ग्रुप लगा हुआ है दैट इज अब दी प्लेन तो डेफिनेटली यहां से पेलेडियम बाइंड करेगा जो कैसा होगा बिलो दी एरो इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा सकता हूं तो मैं की को कैसे दिखाता हूं मैं कहता हूं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होते हैं और एक्स ग्रुप यहां से बाहर जाता है ऐसा लग रहा है कि कोई अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर कर रहा है। ऐसे स्टेप्स आपके लिए थोड़े नए हो सकते हैं या आप पहली बार ऐसी रिएक्शंस के साथ डील कर रहे होंगे तो घबराना नहीं है संयम बना के रखना तो सर यहां से जो अगला कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके पास एक सिक्स की रिंग बनेगी अब ये तीन कार्बन जो होंगे एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन ये तीनों से पेलेडियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसको रिप्रेजेंट कुछ ऐसा किया जाता है कि यहां एक पॉजिटिव चार्ज आप बना सकते हैं मतलब एक जैसे आप रेजोटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ वैसे देखो कल मैंने जो फिगर दिखाया था इसमें इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है इस तरीके से मतलब हम यू ये तीनों सेंटर से कॉम्प्लेक्स बनाएगा और पेलेडियम ने कुछ डोनेट किया है तो ऐसा लगेगा कि पेलेडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बात समझ में आ रही है अब आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल एंटर करेगा अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो चॉइस है कि तो आपका न्यूक्लियोफाइल इस ए सेंटर पे अटैक कर सकता है या फिर आपका न्यूक्लियोफाइल बी सेंटर पे क्योंकि मैंने बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन लिया है तो आप ही बताइए अटैक तो किधर भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट बनेगी ये पेलेडियम ज्यादा बेहतर ये होगा कि मैं इसे बिलो से दिखाऊं यानी मैं इसको डैश 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 से जोड़ के दिखाऊं अब आप मुझे बताइए जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसके लिए कौन सा प्लेन प्रेफर होना चाहिए ऐसा लगता है क्या कि बिलो तो ग्रुप जब आएगा तो अटैक कहां से मारेगा अब उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स वापस से इस सेंटर पे शिफ्ट होगा इसको दिखाया कैसे जाएगा एक छह मेंबर की रिंग बहुत ही बढ़िया इस सेंटर पे एल्कीन और न्यूक्लियोफाइल अब इस सेंटर पे अब, अब दी लगा होगा और वापस से बाइंडेड और अब इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ देंगे तो हमारे पास अब एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल फाइल अब अब दी प्लेन लगा होगा जब आप अपने प्रोडक्ट को अपने स्टार्टिंग मटेरियल से कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है रिटेंशन का प्रोडक्ट बनाया है सर जिस प्लेन में आपका लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था हमने उसी प्लेन के अंदर को अटैच किया हुआ है। क्या ये स्टेप्स आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं? एक बार जरूर बताइएगा ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं मैं एक बार आपको अलग से बना के दिखाता हूं देखना तीन कार्बन होते हैं और ये तीनों कार्बन से पेलेडियम कॉम्प्लेक्स बना के बैठता है इसे अलाइल कैटाइन कॉम्प्लेक्स बुलाते हैं अपन अलाइल कैटाइन सर इस तरह के सारे क्वेश्चंस में पेलेडियम हमेशा बिलो दी प्लेन से अटैक करेंगे और न्यूक्लियोफाइल से आएगा यस yes, एनालिसिस बिल्कुल सही बात है अगर स्टीरियो के एस्पेक्ट्स होंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करेंगे ठीक है आइए अगर ये सवाल थोड़ा बहुत फैमिलियर लगने लगा है तो आओ एक सवाल और देखते हैं क्लेडन का सवाल था अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपका मेरे ख्याल से नार्ड्स यानी कि जोइफिल का क्वेश्चन है इसको करने की कोशिश करिए बताइए क्या लगता है जब आप रिएजेंट्स देखो जब भी क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में बता के तो नहीं आएगा कि मैं हैक आया हूं मैं क्रॉस कपलिंग आया हूं मैट्रोस आया हूं आपको क्वेश्चन देख के खुद ही पहचानना है तो आप जब कोई अलाइलिक सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाई दे कोई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिखाई दे तो आपका दिमाग खुद पे खुद ट्रोस्ट टिशूजी पे जाना चाहिए क्योंकि इसके सबस्ट्रेट चीख-चीख के आपसे यही कहना चाह रहे हैं उनकी बातों को सुनेंगे आप ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो इसको बोलते हैं सोर्स होगा एक पेलेडियम का जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा अगले स्टेप के अंदर क्या होना चाहिए अगला स्टेप छोड़िए सर पहले पहला स्टेप बताइए क्या बात है? इस है। इस सेंटर पे पहले स्टेप में सर पेलेडियम के साथ बनेगा कॉम्प्लेक्स यानी एल्कीन की कॉम्प्लेक्सेशन करा दी हमने कह सकते हैं एल्कीन की बाइंडिंग करा दी अब आप अपना हाथ जब तक नहीं चलाएंगे इन रिएक्शंस के अंदर घंटा कुछ समझ नहीं आने वाला है आपको हाथ चला के प्रोडक्ट्स खुद बनाने होंगे अगर आप देख रहे हैं लाइव तो कॉपी पेन उठाइए करेंगे हम सर इलेक्ट्रॉन्स इस सेंटर पे अटैक करेंगे और ओ को बाहर करेंगे अगला जो कॉम्प्लेक्स बनता है अलाइल कैटायन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको अलाइल कैटायन कॉम्प्लेक्स कैसा दिखाई देगा ये सर हमारे पास इस सेंटर पे सी एस थ्री लगा होगा सॉरी और इस पर्टिकुलर सेंटर से हमारा पेलेडियम सेंटर अभी भी क्या होगा जुड़ा और इस पेलेडियम पे पॉजिटिव भी होगा एलाइन कैटाइन कॉम्प्लेक्स आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं या इसको दिखाने का एक दूसरा तरीका भी होता है खैर जाने ही दो वरना फिर और कॉम्प्लिकेशन ही आएंगी आप इसको ही ध्यान रखें क्योंकि कुछ अटैक किया है तो पॉजिटिव को समझना आसान होगा अब सुनो ध्यान से आपके पास ये सेंटर कैसा दिया हुआ है एक कार्बन सेंटर इसके ऊपर साइनाइड इसके ऊपर सी ओ ओ एम ई -E, नेगेटिव चार्ज और एन ए पॉजिटिव ये एक बेहतरीन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिया हुआ है किताबें ऐसा कहती हैं कि आप अटैक करिए अब आपके पास ए चॉइस भी है और बी चॉइस भी है बताओ आपका मन क्या कहता है कि अटैक कहां करना चाहिए जल्दी बताएंगे जी आपका मन क्या कह रहा है किस सेंटर पे अटैक किया जाए देखिए ऐसा कहते हैं कि सर जिस सेंटर पे लेस हिंड्रेंस होती है हम वही अटैक कर दिया करते हैं या फिर ट्रोस में आप देखोगे कि मैक्सिमम जहां लिविंग ग्रुप्स होते हैं वहीं से अटैक हो जाता है लेकिन इस चीज को तो गवर्न करने वाला जो फैक्टर है वो आपका स्टेरिक फैक्टर ही बताया जाता है कैरूथर्स सॉरी नाइन्स ये बात कहती है ठीक है में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखा मिलेगा लेकिन अभी मैं के भी कराऊंगा तो वहां आपको ऐसा मिलता है अब ये अनायन बी सेंटर पे अटैक करेगा पलेडियम को हम शिफ्ट करेंगे हमारे पास फिर से एल्कीन बाइंडेड कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो मैं प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं आपको इस सेंटर पे आपके पास एक एल्कीन यहां सी एस थ्री इसके ऊपर पेलेडियम लगा होगा और अभी जस्ट एक नया बॉन्ड बनाया है तो याद रखिएगा इसमें टेंडेंसी होती है आपकी कि आप एक कार्बन खा जाते हैं उस चीज का ध्यान रखिएगा और इस सेंटर पे सीओ एम ए तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा अब ऐसा करते हैं इसको ऊपर बना देते हैं फाइनली पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद दिस इज द प्रोडक्ट जहां साइनाइड लगा होगा और इस सेंटर से सीओओम ऐसा लगता है जैसे इस पूरे ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है और इस सेंटर पे हमारा न्यूक्लियो फाइल आके लग गया है हाँ जी बताएंगे कि ये मामला समझ में आ रहा है या नहीं ये कुछ एकदम छोटे लेवल की बातें नहीं हो रही है बहुत अच्छी रिएक्शंस है ये और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हैं जो आपको कोई जल्दी बताता नहीं है कहीं बताइए क्लियर है एक सवाल और करना चाहते हैं तैयार हैं आप इसके लिए आई एक सवाल इंतजार कर रहा है आपका कब से और यही वो सवाल है और ये कैरुथर्स का सवाल है एक नाइंस का किया एक क्लेडन का किया तो कैरुथर्स क्यों पीछे रह जाए इसको भी निपटा दीजिए बताइए फटाफट अगेन आराम से सबस्ट्रेट्स को देखिए ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं एग्जाम में ये बता के नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन हैक का है या क्रॉस कपलिंग है आपको खुद ही पहचानना है सबस्ट्रेट से बात करना चालू करिए एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है एक अलाइलिक सेंटर है ये कहना चाहता है आपसे कि मुझे ट्रोस टिसूजी के रास्ते ले चलो आपको सुनना पड़ेगा इन रिएक्शन का बनाइए प्रोडक्ट फटाफट बनाइए तबीयत ठीक नहीं है सर आपकी अब थोड़ा सा आई एम नॉट लिटिल वेल मतलब थोड़ी थकान ज्यादा है और लिटिल बिट थोड़ा बहुत गला भी खराब है पर कोई बात नहीं इतना तो ठीक है कि हम आपको तो पढ़ा ही सकते हैं यार चलो बताओ 218 क्या है नीचे 218 <laughs> ना ये एग्जाम्पल है मतलब कि क्या करते हैं ना जब कैरोथर्स बुक लिखती है क्वेश्चंस को तो वो लोग हर बार एग्जाम्पल के नीचे कुछ नंबरिंग्स करते हैं जो कि सीधा रिसर्च पेपर पे आपको लेके जाती है उसके लिए लिंक्स दिए होते हैं वो यही है इसको मारोगोलीस का कोई मतलब नहीं है ठीक है कोई 218 नहीं लिखा हुआ हाँ जी कितने लोगों ने प्रोडक्ट बनाया फटाफट बताइए जब भी आपको ऐसी मुझे प्ले लिस्ट चाहिए होती है आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाए करो और प्ले लिस्ट के सेक्शन में आपको सारी मेरे ऐसे लेक्चर सीरीज मिल जाएंगे नहीं मिलते हैं तो मुझे यूट्यूब पे इंफॉर्म कर दिया करो मैं ऐड करवा दिया करूंगा नाउ अब इतना बड़ा चेन देखिए हमको भ्रमित करना चाह रहा है लेकिन हम भ्रमित होने वालों में से नहीं अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे तो सर अब यही पेलेडियम इस सेंटर पे अटैक करेगा और लिविंग गुर फड़फड़ा रहा है यहां से बाहर जाने के लिए इस पूरी चेन को हमें बनाना पड़ेगा एक पहाड़ दो पहाड़ तीन पहाड़ के साथ और इस वाले पूरे सेंटर के ऊपर नीचू से पेलेडियम लगा होगा पेलेडियम ने कुछ डोनेट किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और ऐसा हमारे पास मामला तैयार हुआ होगा अब न्यूक्लियोफाइल से बिल्कुल नहीं रहा जाएगा ये फटाफट पहुंचेगा अटैक करने के लिए नेगेटिव। अब मेरे पास दो है, एक ए सेंटर और एक बी सेंटर कैरुथर्स ऐसा क्लियर कट कहती है कि हिंड्रेंस के वजह से स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से हम बी सेंटर पे अपने अटैक को प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू दी ए सेंटर पहले एडियम इस सेंटर पे दोबारा शिफ्ट होगा और हमारे पास एक पहाड़ दो पहाड़ तीन पहाड़ इस सेंटर पे एक एल्कीन की फॉर्मेशन और फिर से मैं बताऊं कि इसमें आपकी नेचुरल टेंडेंसी होगी कि आप कार्बन को गलत ड्रॉ करें तो जो कॉपी में ड्रॉ किया है उसके कार्बंस को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ बिल्कुल सही है नवा कार्बन जो होगा वो न्यूक्लियो का कार्बन बनेगा उम्मीद करते हैं आपने ऐसा ही दिखने वाला प्रोडक्ट ड्रॉ किया होगा हां जी बताइएगा ठीक है जो लेस सब्सिट्यूट सेंटर है वहां से अटैक करके हमने प्रोडक्ट ड्रॉ कर दिया आसानी से हम इसको एग्जाम में बना सकते हैं नाम ट्रोस्टिजी रिएक्शन ठीक है जी किसकी सूजी तो ट्रोस्ट की सूजी भाई ठीक है सूजी वर्ड का दो मतलब निकलता है एक तो सूजना और एक तो सूजी का हलवा चलिए आगे आते हैं इसके बारे में भी बता दीजिए इस तरह के रिएजेंट्स को देख के बिल्कुल मत डरा मैंने आपको डीपीपीएफ दिखाया था वैसे ही यह भी कुछ होगा इतना बड़ा बड़ा सा फेरोसिन कंटेनिंग रिएजेंट्स पर इनसे हमें क्या लेना देना एक बार ये जस्ट आइडिया भी लग गया कि ये ट्रोस्टिजी के कारनामे है उसके बाद तो यू प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग करिए फटाफट से बताइए ब्रेड सूजी नहीं है क्या <laughs> ब्रेड सूजी ब्रेड के साथ सूजी कैसी लगेगी ये है ट्रोस्ट सूजी ट्रोस्ट के साथ है ठीक है जी अगर आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो बताइएगा NO2 इनोलेट अटैक क्या बात है दीपांशु बहुत ही बढ़िया यार देखिए क्या देखिए सर प्रोडक्ट तो मेरे ख्याल से बना ही दिया होगा आपने अ लाइलिक सेंटर पे ऊपर एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और इस सेंटर पे काफी एसिडिक प्रोटॉन है वैसे तो देखो इसे कोई बेस डाल देना चाहिए था पर इतना तो सेल्फ अंडरस्टैंड होता है ना आपको कि इस सेंटर पे अनायन काफी स्टेबल बनेगा तो इनोलेट इसी का बनना चाहिए ठीक है तो यहां से हम पैलेडियम ले लेंगे सबसे पहले ये हमारा एक मस्त झकास लिविंग ग्रुप लगा होगा इस सेंटर पे हमारे पास अच्छा देखो बेस क्यों नहीं डाला है अभी दिखाता हूं इसने बेस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया देखना इस सेंटर पे हमारे पास पेलेडियम आ जाएगा पेलेडियम के पड़े ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ये अटैक करेंगे और इसको यहां से बाहर करेंगे यहां से सर अगले स्टेप के अंदर एक अलाइल कैटाइन कॉम्प्लेक्स बनेगा ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा टिंग 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 और इस सेंटर से क्या लगा होगा पेलेडियम पे हल्का सा पॉजिटिव भी होगा रास्ते में यहां से एक चीज बाहर गई है कहां ये चिपका जा रहा है नीचे चल यार ये रहा इस सेंटर पे पैलेडियम और पोस्टर अच्छा रास्ते में एक चीज बाहर गई है इसको बोलेंगे o C double और ओ यानी इस रिएक्शन के अंदर इन सीटू बेस को जनरेट किया गया है अब तो इन सीटू मतलब समझते हो ना क्या बात है दीपांशु दिल ही खुश कर दिया है यही स्पीशीज आपका बेस की तरह काम करेगी देखो इतना भरा पड़ा है इसके पास अनायन और इसका प्रोटॉन तो बस निकलने के लिए राजी ही बैठा है तुम जैसे ही उंगली दिखाओगे ये हाथ ही पकड़ लेगा और आपके पास ये अनायन फटाफट से प्रोटॉन निकालेगा एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तैयार होगा एक साइड एस्टर और एक साइड एनो फटाफट से अटैक कराइए सर एक सेंटर पे शिफ्ट करिए प्रोडक्ट अगर बनाया जाए तो एल्कीन और इस सेंटर पे हमारे पास ऊपर के साइड अगर हमने सीओ टी लगा दिया तो नीचे के साइड एन ओ टू लग जाएगा दिस बी फाइनल कितने लोग अब आराम से प्रोडक्ट्स को बना पा रहे हैं बताइए इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे कि आराम से आप ये चीज एकदम रूटीन में आ जाएगी बस खाली रिवाइज करते रहना मॉक टेस्ट देते रहना काम तमाम कर दोगे पेलेडियम केमिस्ट्री का बताइए क्लियर है तो थोड़ा आगे चला जाए आइए एक सवाल और आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है इन क्वेश्चंस की क्रोनोलॉजी को समझना इनको इस तरीके से अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट था वरना तो अचानक से कभी कोई सवाल आ जाता है तो दिक्कत हो जाती धीरे धीरे लेवल बढ़ना चाहिए चलो अगेन आपके सामने नानस का एक सवाल पेश किया जा रहा है इसको बताने का कष्ट करेंगे सभी लोग और प्रोडक्ट बनाएंगे नान जो आपको पसंद आए वो कहिए और बताइए स्पेन की हालत भी ढीली होती जा रही है हाँ जी ये सर ये सिमेट्रिक है तो दोनों साइड होगा अटैक ये कैंपेसिफिक सिमेट्रिक सिचुएशंस में आप अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हैं जिधर आपका दिल कहे उधर अटैक कर सकते हैं फिलहाल इस प्रश्न को देखिए और इसका प्रोडक्ट बनाने की प्रोडक्ट बनाने का कष्ट करिए जल्दी बताइए इसको ध्यान से देखो यार इसमें दो ग्रुप्स लगाए गए हैं इसमें दोनों फंक्शन ग्रुप्स अबब और अब अब थोड़ा स्टीरियो के साथ बनाने की कोशिश करना ठीक है थोड़ा सा स्टीरियो के साथ कोशिश करना आओ ठीक है सर स्टीरियो के साथ कोशिश करते हैं यहां पर हमारे पास सिक्स मेंबर रिंग है यू कैन सी कि इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा है यहां पर लगा ओ एक लिविंग ग्रुप होगा यहां हमने सबसे पहले पैलेडियम लगाया पेलेडियम अटैक करके हम ओ को बाहर कर देंगे कोई अच्छा आपसे पूछ ले कि ये कौन सा स्टेप है तो क्या बोलोगे इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन इन केस अगर ये बात ही पूछ ले और गेट वाला ये काम करेगा उसको बहुत खुजली होती है ऐसे क्वेश्चंस पूछने की एमएसक्यू बना के पूछने की कौन सा स्टेप है साइकिल में बताया था ये यहां से बाहर जाएगा और एक अलाइल कैटाइन कॉम्प्लेक्स बनेगा पैलेडियम पे पॉजिटिव और इस सेंटर पे सीओ एम आई एम रियली सॉरी मैंने स्टीरियो को इग्नोर कर दिया है तो स्टीरियो ये पेलेडियम स्वयं बिलो प्लेन से लगेगा तो इस सेंटर पर भी ये बिलो प्लेन से होगा। अब जब फाइल आएगा यानी -E, आप समझ पा रहे होंगे कि इस सेंटर से जो ओ माइनस गया है वो इस सेंटर का प्रोटॉन निकालने के लिए बिल्कुल राजी बैठा है टिंग 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 और इस सेंटर पे अनायन बन जाएगा अब यही अनायन अटैक करेगा इसको दोबारा से शिफ्ट करेंगे और हमारा प्रोडक्ट चमाचम तैयार हो जाएगा चूंकि एकदम सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो कोई परेशानी नहीं होगी और इस सेंटर पे हमारे पास एक ओ जनरेट होगा दैट इज गोइंग टू रिमेन प्लेन। क्या मामला समझ में आ रहा है बताएंगे जी इज दिस पॉइंट क्लियर पैलेडियम बिलो एंड द न्यूक्लियोफाइल अवर बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट हेलो सुषमा जी चलिए सर सिर्फ अलाइलिक सबस्ट्रेट होगा तभी प्रोस्टिसुजी होगा क्या कैम्पेस्टिक नाम ही रिएक्शन का अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है सबस्ट्रेट्स बदलेंगे विनाइलिक इपोक्साइड्स भी आएंगे वैसे ही क्वेश्चन चेंज कर दूंगा मैं तो की कहानी अलग से डिस्कस करी जाएगी ठीक है सबस्ट्रेट्स बदलूंगा लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय ठीक है थीके? मैंने गलत बना दिया अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ग्रुप ही चिपका दिया आई एम रियली वेरी सॉरी इस सेंटर पे क्या लगा होना चाहिए -O -O -E और -O -O -E. माफ करिएगा ऐसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं हाँ, अब सही कर दिया मैंने न्यूक्लियो को ही लगा दिया चलो अगला सवाल ये सवाल था नाइन्स का ये सवाल है कैरोथर्स का अगर आप इसमें मैकेनिज्म नहीं भी करोगे ना तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा और खुशी खुशी आपकी बात मान लूंगा लेकिन आपको प्रोडक्ट बताना है विद स्टीरियो केमिस्ट्री इस बात का ध्यान रखेंगे बनाइए प्रोडक्ट फटाफट से ड्रॉ करिए ये सेम क्वेश्चन कैरोथर्स में भी मिला यही सेम क्वेश्चन हमने नाइंस में भी देखा अभी फिलहाल आपको इसमें प्रोडक्ट बनाना है दोनों प्रोडक्ट्स करिए आज मैं सोच रहा हूं आप सभी के पास कैरोथर्स की किताब है सॉफ्ट कॉपी तो सब रखते हैं यार एवरी वन हैज कैरोथर्स तो मैं कुछ असाइनमेंट्स दूंगा मतलब कुछ क्वेश्चंस अपने साइड से आपको मार्क करवाऊंगा कैरोथर्स में आप वो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा ठीक है ऐसा करें क्या एक ऐसी एक्सरसाइज करके देखते हैं कैसा रहता है आप घर पे प्रैक्टिस करके आइएगा मुझे बताइएगा कि क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं बन रहे ठीक है इससे हम थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड भी रहेंगे आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में लेकिन कैरूटर्स में सब करने मत बैठ जाया करो जो मैं बताऊंगा वो वो कर लेना ठीक है बताना सभी के पास उसके लिए एक चीज जरूरी है कि आपके पास कैरूटर्स किताब होनी चाहिए अगर कैरेक्टर्स होगी तभी तो करोगे नहीं तो करोगे कहां से ना टिंग टिंग टडिंग चलो बताओ फटाफट से इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ फर्स्ट एग्जांपल में बिलो अटैक एंड सेकंड में अबव अटैक अब चलो देखते हैं देखो सबसे पहले तो यहां बिलो द प्लेन पैलेडियम लगेगा क्योंकि जो अलाइलिक सेंटर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो अबव द प्लेन लगा है पैलेडियम जो है वो इधर आएगा इसको यहां से हम भगा देंगे बाहर तो हमारे पास एक अलाइल कटाइन कॉम्प्लेक्स बनेगा इस इस अब अब न्यूक्लियो न्यूक्लियोफाइल आएगा और दिस इज गोइंग टू अटैक एट अट दिस सेंटर तो ये वापस जाएगा न्यूक्लियोफाइल किस स्टीरियो से अटैक करेगा चूंकि स्वयं पेलेडियम बिलो लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अब, अब से अटैक करने की कोशिश करेगा तो यहां से जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इस हमारे पास एल्किन सेंटर यहां पर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा वही सीओओन सी ओ एम इस सेंटर पर अब द्लेन सी ओ एम यही चीज जब मैं यहां करूंगा तो ध्यान से देखना ये ग्रुप बिलो लगा हुआ है तो आपके पास जो पैलेडियम जस्ट अ सेकेंड यस आपके पास जो पैलेडियम है वो आके कैसा लगेगा प्लेन लगेगा पैलेडियम के दो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करके इसको बाहर करेंगे अब यहीं पर सर जो आपका अलाइल कॉम्प्लेक्स होगा उसे से बनाना होगा बाकी आपका इस सेंटर पे एस्टर विल रिमेन इंटैक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस स्टीरियो से होना चाहिए जनाब तो दिस इज गोइंग टू तो बी फ्रॉम बिलो टाइम और जब अब की बार प्रोडक्ट बनेगा तो डबल बॉन्ड इस सेंटर पे सीओ एम ई और इस सेंटर पे बिलो दी ओ एम ई और सी ओ एम ई का हाउ मेनी ऑफ यू बताइएगा इस बुक से रिलेट कर पाएंगे अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल सर फर्स्ट एग्जांपल में बिलो अटैक एंड सेकंड एग्जांपल में अब अब अटैक उल्टा कर दिया जड्डू जी आपने थोड़ा सा उल्टा कर दिया स्टीरियो पहले किस से बाइंड होगी इस बात डिपेंड करता है, है? ठीक चल, सर मुझे लगा आप दोनों के प्रोडक्ट्स का रिलेशनशिप पूछेंगे हाँ 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 हाँ। बिल्कुल सही अभी जस्ट मेरे दिमाग में वो चीज चल ही रही थी वेरी गुड एटोमिक चलो फिर इस बात पे बता ही दो कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा लगाइए दिमाग स्टीरियो केमिस्ट्री का सवाल एग्जाम ऐसा खूब करता है वो क्या कहता है p और वो कहता है q और p और q में क्या रिलेशनशिप होगा आप स्टीरियो केमिस्ट्री में रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का खूब सवाल प्रैक्टिस करते हैं तो बस उसी का एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश किया है बताइएगा क्या बात आश्वी कह रही है डायास्टि डायास्ट्यूमर बहुत ही बढ़िया अगर आप इनको देखेंगे तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मिरर इमेज कभी जिंदगी में नहीं हो सकते हैं या फिर आप सिंपल देखेंगे तो ये दोनों यहां पर सिस फॉर्म में प्रेजेंट हैं और यहां ट्रांस फॉर्म में हैं जितने भी सिस ट्रांस होते हैं वो डायास्टीरियोम होते हैं ऐसे भी लपेटे में लिया जा सकता है बोलो बात समझ में आ रही है लिख दिया था क्या बात है बहुत बढ़िया चलो अच्छा एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है इसके बारे में बताओगे क्या मान लो कि मेरे पास एक सिक्स थी और एक सिक्स थी क्या आप मुझे रिलेशनशिप बता सकते हो इन दोनों के अंदर अगर मैं इसे फर्स्ट बोलूं और इसे सेकंड बोलूं क्योंकि बात छिड़ गई थी तो मैंने थोड़ी सी और छेड़ दी है अब इसके बीच में रिलेशनशिप बताओ अच्छा एग्जाम्पल है कुछ बातें आपको सिखा देगा बस इसीलिए बता करिए फटाफट सभी लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे भाई गलत सही जो होगा वो देखा जाएगा लेकिन आप अपना आंसर तो बताइए बुक पीडीएफ है क्या किसी के पास अगर आप लोग आपस में कनेक्टेड हैं तो यार पीडीएफ आपस में शेयर कर लो या टेलीग्राम चैनलों से कनेक्टेड रहा करो वहां किताबें फ्लोट करती रहती हैं फाइल्स वाले सेक्शन में जैसे आप आईफ केमिस्ट्री वाले यू टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहो वहां पे आपको फाइल्स के सेक्शन में मिल जाएगा वहां से आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो तो किताबें अपने पास रखा करो ठीक है हाँ जी तो देखो बहुत सारे लोग आइडेंटिकल बता रहे हैं बहुत सारे लोग बता रहे हैं। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं पहले मॉलिक्यूल को जैसे तवे पे रोटी पलट देते हैं वैसे उठा के पलट दूंगा तो सेकेंड मॉलिक्यूल बन जाएगा ऐसा कितने लोगों को लगता है जैसे स्पेशल केमिस्ट्री को ये लग रहा है शायद रोटेट अमी At 180 degree. तो देखो अगर आप जैसे पलट दोगे ना मॉलिक्यूल को तो पलटने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ऐसा बनेगा बिलो इस थर्ड मॉलिक्यूल में और सेकेंड मॉलिक्यूल में जमीन आसमान का अंतर है आंखों को देख के धोखा होता है लेकिन ध्यान रखना ये फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे के मिरर इमेज है और अगर दो मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री एबसेंट होती है तो आप आंखें बंद करके एन बता सकते हो इस तरह की चीजों में एक्सपर्टीज चाहते हो तो वन स्टॉप सॉल्यूशन वाली प्लेलिस्ट जाके देखो स्टीरियो केमिस्ट्री की मैंने यूट्यूब पर ही करा रखा है आप स्टीरियो में एक्सपर्ट हो जाओगे ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी अब जाइए उसका बेनिफिट उठाइए अगर अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार बताओ चल तो प्लीज स्ट्रॉली रिकमेंड की आप वन शॉर्ट वन स्टॉप सोल्यूशन सीरीज का नाम है प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी ठीक है चल। Moving ahead, ये एक question मुझे मिला था थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है लगे हाथ तो इसको भी देख लेते हैं क्लेडन का सवाल है इसके अंदर जब हम प्रोडक्ट बनाने के लिए बढ़ते हैं तो यहां पर जो अटैक होता है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है थोड़ा स्टार लगा के रखना मैं कहता हूं स्टार उतना मजेदार नहीं है स्टार ओल्ड फैशन हो गया है आप क्या बनाया करो एक चेहरा बनाया करो एक ऐसा चेहरा जो आपको यह बात याद दिलाता रहे कि इस एग्जाम्पल में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा बस ये आप जैसे ही आपके नोट्स खुलेंगे इस एग्जाम्पल पे आप आएंगे और चमा चम चमकेगा ये एग्जाम्पल तो बस एक बार दिमाग में छप गया तो लॉन्ग टर्म्स तक आप इससे याद रख सकते हैं ठीक है यस yes, बिल्कुल वो क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था देखो इसके अंदर भी आप यही करोगे पेलेडियम सेंटर आएगा ये यहां हाँ अटैक करके ओएसी को बाहर करेगा इस सेंटर पे जब हम फाइव मेंबर्ड के रिंग बनाते हैं तो हमारे पास आ, क्या बनेगा जी कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा क्स यहां से क्या लगा होगा पैलेडियम पे पॉजिटिव अब इस सिचुएशन में जब अटैकिंग की बात आएगी क्या ये क्वेश्चन मैंने अधूरा छोड़ दिया है अरे यार ये क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया मेरे ख्याल से इसमें एक न्यूक्लियो फाइल था अमीन था मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है तो मैं फिलहाल के लिए आर एन एस टू ले, ले रहा हूं मैं गलत भी हो सकता हूं ठीक है हो सकता है कोई और सबस्ट्रेट लिया गया इसके अंदर जब अटैक करने की बारी आती है तो क्लेडन सीधा सीधा कह देती है कि यार अटैक ऐसे करें कि जो डबल बॉन्ड होगा वो रिंग का पार्ट बनेगा तो बस अटैक बी तो सेंटर पे करना है और इसको इधर शिफ्ट करना है ठीक है इस सेंटर से एन एच आर ग्रुप पा लग जाता है दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट ठीक है एंडो बॉन्ड्स ना बना के सॉरी एक्सो बॉन्ड्स ना बना के एंडो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करनी ठीक है छोटी सी बात है ध्यान रख लेंगे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं पर मैं स्किप नहीं करना चाहता मैं चाहता हूं अगर पांच परसेंट भी चांस है तो रिस्क ले लिया जाए ठीक है चल आगे आते हैं और अब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं अब आएंगे इंटरेस्टिंग सवाल बढ़िया सवाल यहां से तैयार होंगे क्या मेरे बिना बताए आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं एक बार देखिए इसको सर माना अभी फर्स्ट दो लेक्चर्स देखा अच्छा सर मैंने ओके सॉरी <laughs> है बेस्ट आ, है बट प्लीज क्वेश्चन ज्यादा प्लीज कैम वर्ल्ड क्या बात है कैम पैसिफिक भी है कैम वर्ल्ड भी है कैम वर्ल्ड भाई इतने क्वेश्चन तो करा रहा हूं अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए लगातार बने रहो क्योंकि मेरी भी कुछ लिमिट है मैं सारे एक ही टॉपिक की तरह रहूंगा तो बाकी टॉपिक्स स्किप होते रहेंगे तो इस वजह से कराना पड़ता है ठीक है और कुछ आपके लिए भी तो छोड़ना पड़ेगा तो क्वेश्चन चाहिए तो मैं हूं ना आपको कैरूक्स के क्वेश्चन नंबर वाइज मार्क करा दूंगा वो वो एग्जाम्पल जाके सॉल्व कर लेना आपका तैयार हो जाएगा कैरुक्स भी क्लेड क्लेडन भी नार्ड्स भी सब रेडी हो जाए ठीक है चलो क्या है माई क्वेश्चन माई क्वेश्चन कहा गया ऊपर चला गया यार सर का क्वेश्चन है क्या आरडीएक्स सर ये अटैक क्यों नहीं हुआ जब लेस एंडर्ड होगा एक्सेप्शनल केस मान लो एनालिसिस ठीक है रिंग के अंदर एलकीन, एंडो एलकीन को फेवर करने के लिए हुआ वेरी गुड एक्सेलेंट जिनके कमेंट्स रह गए हैं आप दोबारा से कमेंट कर दो यार ऊपर चले गए हैं कमेंट्स ना देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे तो अब साइक्लाइजेशन स्टार्ट हो गई है हमारा सबसे पहले जो पेलेडियम होगा वो इस सेंटर पे आएगा पेलेडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ अटैक करेगा और ओ एसी ग्रुप को बाहर करेगा क्या बात है सर तो यहां से हम एक मस्त झकास छह मेंबर की रिंग बनाएंगे और इस सेंटर से पेलेडियम और इसके ऊपर पॉजिटिव भी आ जाएगा अब इसी के अंदर एक चेन लगी हुई है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं इस चेन में एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है अब अटैक ए और बी सेंटर बात ही सर अब बदल चुकी है ए पे कहा अटैक करके इतनी ब्रिज रिंग का फॉर्मेशन करेंगे आप मस्त झकास बी पे अटैक करिए और एक फ्यूज रिंग बनाइए इसको इधर शिफ्ट करिए नंबरिंग करिए एक दो तीन चार और पांच तो यहां से हमारे पास एक सिक्स मेंबर्ड की रिंग और यहां से हमारे पास एक फाइव की रिंग एल्कीन इस सेंटर पे लगी होगी इस सेंटर पे हमारे पास सी एच टू पी एच भी लगा होगा और अभी जस्ट यहां पेलेडियम भी लगा होगा क्लियर है अब अग अगले स्टेप के अंदर कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया जाएगा छह मेंबर्ड में एल्कीन होगी फाइव मेंबर रिंग होगी सी एच टू पी एच ग्रुप लगा होगा और दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल प्रोडक्ट कितने लोगों ने ऐसा बनाया है बताइएगा सर सर मैं आपकी ही सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस ले रही हूं तो आपने कुछ टॉपिक्स बीच में नहीं छोड़ दिए हैं नहीं मेरे मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स मिल जाएंगे रेडी कुछ टॉपिक्स हो सकता है ना मिले जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हो सकता है और बाकी आपको लगभग सारी ऑर्गेनिक मिल जाएगी तो आप क्या करना आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो आप आराम से मैम और सर से बात कर लीजिएगा वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे ठीक है चल, क्या आप उन्हें पूरा करवाओगे बिल्कुल करवाएंगे और क्यों नहीं करवाएंगे प्लीज एनएमआर भी पूरी नहीं करवाई है क्या बात कर रहे हो यार ऐसे ब्लेम ग्लेम मत करो रे थी एनएमआर मास आईआर यूवी यू तो सारा ही करवाया हुआ ठीक है।, है एक बार वो क्वेश्चंस मतलब कि एक बार देखो दोबारा से ठीक है रिकॉर्डेड क्लासेस ली हैं आपने लाइव बैचेस ली हैं क्या लिए क्या ठीक है हां जी यूट्यूब के ऊपर भी आपका एनएमआर कराना है वन एच करा दिया है पूरा मैंने थर्टीन सी बचा है और आपके हेट्रो एन का थोड़ा बहुत बचा है और सेटेलाइट पिक्स वगैरह कॉन्सेप्ट ठीक है अच्छा यूट्यूब की बात कर रहे हो ठीक है ठीक है यूट्यूब पे थोड़ी चीजें रही हैं सर आप में आपके इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं।, नहीं जदू जी मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई देना नहीं, नहीं है मेरा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है हाँ जी ये प्रोडक्ट सही बनाया सभी ने हाँ बिल्कुल एटोमिस आपके कॉमेंट्स के चक्चर में रह जाता हूं अच्छा अगर आप बैचेस के अंदर पढ़ना चाहते हैं ना आप थोड़ा सा discipline तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ अप्रैल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसका हिस्सा आराम तो से चिल मार के तैयारी करेंगे और दिसंबर वाले नेट को टारगेट करेंगे ठीक है क्योंकि अब जून अभी से चालू करके जून को तो किया नहीं जा सकता वो तो क्रैश कोर्स हो जाएगा आराम से तैयारी करना चाहते हो तो इस बैच में आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सेम टू सेम टू सवाल है है बस खाली स्टीरियो पूछ दी गई है। तो सेम सवाल स्टीरियो के साथ कौन पेश कर रहा है आपके सामने नांस भाई साहब पेश कर रहे हैं तो एक बार इसको स्टीरियो ध्यान रखते हुए लपेट दो तो मजा आ जाए बनाओ सर प्लीज करवा दोगे क्या मुझे आपकी ही क्लासेस से सब समझ आता है बिल्कुल रिधि आई विल बी ट्राइंग अगर आप यूट्यूब की बात कर रहे हैं तो हम अभी चीजें करवा ही रहे हैं वन टू वन जब भी आते हैं आपका कोई टॉपिक करवाते ही हम ठीक है हाँ जी चलो देखिए जरा सर अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो पैलेडियम होगा वो बिलो द प्लेन से अगर हमने लगा भी दिया तो यही इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे और ओ को बाहर करेंगे यहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये पेलेडियम लगा होगा बिलो दि प्लेन अलाइल कटाइन कॉम्प्लेक्स ये पूरा ग्रुप कैसा लगा है प्लेन से लगा है सेम ही क्वेश्चन है अब नाइट्रोजन जब अटैक करेगा तो किस प्लेन से करेगा अब, अब प्लेन से करेगा तो जब मैं इस बार प्रोडक्ट्स बनाऊंगा ना तो मैं एक सिक्स मेंबर रिंग रखूंगा यहां से एक फाइव मेंबर रिंग रखूंगा नाइट्रोजन सेंटर और इस सेंटर पे एल्किन लेकिन मैं रिंग्स की स्टीरियो को ना दिखा के मैं हाइड्रोजन की स्टीरियो को दिखाऊंगा मैं बोलूंगा यहां का हाइड्रोजन बिलो होगा और यहां का हाइड्रोजन भी बिलो होगा क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए जाएंगे तो क्या आपके भी कॉपी में यही प्रोडक्ट चमाचम चमक रहा है या आपने ऐसा वाला बनाया है ये भी अपनी जगह ठीक है पर अब आप लोग प्रोफेशनल हो गए हैं तो प्रोफेशनल की तरह आंसर बनाइए कि नहीं बिल्कुल सही अब अब से अटैक होगा फाइव मेंबर की फ्यूज रिंग बनेगी आ, सर ग्रुप थ्योरी भी करवा दो ना <laughs> ग्रुप थ्योरी हमारा टॉपिक नहीं है पर क्या वाकई में आप चाहते हो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के भी टॉपिक्स लें क्या सर मैंने पहले ही पूछा था कि क्या लिविंग ग्रुप की स्टीरियो अपकमिंग अच्छा पहले ही पूछा था चलो फिर ठीक है अब पता लग गया चल तो स्टीरियो के साथ भी पूछेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है हम वाकई में से भी लपेटे में ले सकते हैं आओ एक बेहतरीन सवाल फोर स्टार फाइव स्टार जितने स्टार लगाओ उतने कम नानस का, का एग्जाम्पल है इसके अंदर सिर्फ पेलेडियम केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर बहुत कुछ इन्वॉल्व है इसके अंदर हो सकता है बाल्डविन रूल भी आपको लगाना पड़ जाए पहले यहां से पी बनाएंगे पी से आप क्यू बनाएंगे क्यू को यहाँ रखेंगे और इससे आर बनाएंगे इसके अंदर बहुत सारे रिएजेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे नाइन बीबीएन फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CH2NH2 सी एच टू एन एच टू एन ए आई एच एम पी ए हीट यहां से लिखा भी हुआ है क्या एलिमिनेट होने वाला है और ट्रोस्ट टीसूजी तो यहीं पे समेटे में हो गया है मतलब यहीं सिमट गया है बाकी रिएक्शन को आगे एक्सटेंड किया है ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में टपका तो मैं कह रहा हूं चार नंबर में टपकेगा और ऐसे क्वेश्चन आने वाले समय में सीएसआईआर नेट जरूर पूछ सकता है लिख के ले लो मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये और ऐसे हल्का हल्लू पल्लू सवाल नहीं है दम रखता है ये सवाल अपने आप में ठीक है तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें ठीक है तो मैं फिलहाल इसको होमवर्क दे रहा हूं यह सवाल आपका होमवर्क रहेगा इसको हम कल डिस्कस करेंगे कल इतमान से मैं आपको सारी कहानियां बताऊंगा इसके बारे में तो और एक छोटा टास्क आपको और दे रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं आप सबके पास कैरोथर्स की किताब होगी सॉफ्ट कॉपी भी अगर आपके फोन में है तो उससे भी काम हो जाता है ठीक है

ठीक है अब कैरोथर्स में जब आप आते हैं ना तो पेलेडियम केमिस्ट्री स्टार्ट होती है कहां से होती है जी स्टार्ट हम्म आपको मिलेगा पेज नंबर नाइनटी से ठीक है पेज नंबर नाइनटी से स्टार्ट होती है जो जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं वो वो एग्जांपल्स आपको करने अगर आप बहुत सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके तब तो आप करोगे अगर आप खाली यूं ही बस मजे कर रहे हो तो फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं मजे करो ठीक है लेकिन जो बच्चे सीरियस हैं उनको कराने में मजा आता है देखो हर बार कैर में साइड में लिखा होता है एग्जाम्पल ऐसे वन नाइन एट तो जब ऐसा कैरूटर्स में ना हर एग्जाम्पल की साइड में ऐसे नंबरिंग दी होती है तो आप इन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना ठीक है आपको बहुत मजा आएगा करने में फिर उसके बाद वन पॉइंट नाइन नाइन अरे यार 199 करना कोई मैकेनिज्म नहीं मिलेगी आपको और खाली प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट को पहले थोड़ा हाइड कर लेना क्वेश्चन खुद से करना और उसके बाद करना ठीक है उसके बाद यहां से आगे चलना क्वेश्चन नंबर 1.200 भी देख लेना और आगे आना धीरे-धीरे से और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.202 करना जब मैं बैचेस के अंदर पढ़ाता हूँ ना तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए और मानो बात कई बार तो सीधा क्वेश्चन कॉपी प्रिंट होते ही यहां चार नंबर के अंदर प्रैक्टिस तो हो ही रहा है आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जो कि सीधा पार्ट सी में कॉपी प्रिंट होंगे ठीक है इंपॉर्टेंट हैं ये सारे 1.203 भी देख लेना 1. टू जीरो फोर भी देख लेना उसके बाद और कौन सा देखोगे वन पॉइंट टू जीरो फाइव भी देख लेना थोड़ा सा रिएजेंट्स इस्तेमाल होगा इसके अंदर नाइन बीबीएन की जो केमिस्ट्री है वो इसके अंदर भी इस्तेमाल होगी तो मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा तब ये वाला आप कर पाओगे ठीक है ना उसके बाद यार चलो और कौन सा करोगे हाँ 1.207 कर लेना ठीक है 1.208 कर लेना कोई कह रहा था ना सर क्वेश्चन कराया करिए लो क्वेश्चन की लड़ी लगा दी आपके लिए 1.209 कर लेना 1.210 कर लेना और आगे आओ 1.212 कर लेना इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना पार्ट बी के अंदर पूछ सकता है और बताएं और बताओ और बताओ और बताओ इतना खतरनाक रहने दो ये भी रहने दो 1.217 कर लेना और इस क्वेश्चन को डब्बे में डाल के जितने स्टार लगाना चाहते हो उतने स्टार लगा लेना ठीक है थोड़ा सा बस और बचा है बस हो ही गया है ठीक है उसके बाद 1.220 कर लेना उसके बाद 1.221 कर लेना कितना करोगे थक जाओगे कर करके इतना ही मैंने सिलेबस कराया है बाकी की जानकारियां जब मैं आपको दे दूंगा तब मैं और भी क्वेश्चंस मार्क करा दूंगा ये पर्टिकुलरली उन्हीं बच्चों के लिए है जो बहुत सीरियसली मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं वो चाहते हैं कि सर हम ऑर्गेनिक के दम पे ही पार्ट सी को हिला डालें और नेट में जे के नजदीक पहुंच सके इस लेवल की तैयारी करके उतरना है हमें ठीक है किताबों के क्वेश्चन कुछ आपको मेहनत नहीं करनी है बस जो क्वेश्चन मैं यहां से बताऊंगा वो क्वेश्चन जाके कर लेना है जब आप इतना अपने साइड से कर लोगे तो यही चीज हम नान्स की एक्सरसाइज के साथ भी करेंगे ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में ठीक है बाकी ये क्वेश्चन जबरदस्त है इसके साथ मुलाकात होगी अगले लेक्चर में ये जितने भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं कर लेना और अगर जिसके पास कैरोथर्स की पीडीएफ नहीं है आई टेलीग्राम चैनल्स पे जुड़ जाओ उसके फाइल्स वाले सेक्शन में तुम्हें मिल जाएंगी पी मिल जाती हैं अक्सर मिल जाती हैं इतना करना सीखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है चलिए यस yes, गूगल से भी मिल जाएगा डाउनलोड कर लो यार समझो ना बात को थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर आई होप यू एंजॉयड इट एंड इनके साथ करके आना अगली बार आना तो, तो या फिर एक दो दिन का समय ले लो आराम से करो बाकी मुलाकात हमारी कल होगी और जाने से पहले एक चीज और बता दें आपको कि हमने अपने ऐप के ऊपर वेबसाइट के ऊपर आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रखे हैं आप यहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ ही साथ आप फर्स्ट ऑफ अप्रैल जो बैच है तो अगर उसमें लाइव पढ़ना चाहते हो अभी जो मैंने आपको दिखाया ना ये तो ट्रेलर है बैचेस के अंदर हम थोड़े से और सिस्टमेटिक हो जाते हैं तो आपको और मजा आता है तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हो रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हो उसमें मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स मेरे ही मिल जाएंगे आपको जितने भी ऑर्गेनिक के मेजर टॉपिक्स हैं सब मैंने ही पढ़ाए होंगे

कभी भी कोई मेरी पुरानी सीरीज नहीं मिल रही है नहीं दिख रही है बता दोगे तो कई बार यूट्यूब में ही वो इधर उधर हो जाती है तो सही करना पड़ता है ठीक है ये सैटरडे को चैप्टर सफाया कर दूंगा एकदम पैलेडियम केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी आपकी ठीक है थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय एंड लेट्स मीट अगेन टुमारो शार्प एट फाइव पीएम तब तक के लिए लर्निंग